बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, कुछ बेहतर है। और कल जो है पित्ती उछली, लेकिन थोड़ी सी उछली, जिस हिसाब से पूरे उछल आ रही थी। तो बस अब कुछ तो आप लोगों की दुआ, आप लोगों ने भी दुआ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा आराम है। और ये देखिए दानिश आए हैं और आप सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। तो सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे, तो सब्ज़ी लेने हम नीचे तक आ गए थे। और आपने देखा होगा किचन में हमने कोई रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, जो अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सब्ज़ी हमने ले ली है, और चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए किचन में, और हम क्या बना रहे हैं तो उस रेसिपी को देखिए। और ये बाराबंकी के स्टाइल में आज हम बनाने वाले हैं आप सबके साथ हलीम। तो ये देखिए आधा किलो चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट और गरम मसाला जो हमने घर में तैयार किया है, दही और तली हुई प्याज अदद चार, और हरी मिर्चें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, पुदीना एक मुट्ठी और एक मुट्ठी भर के धनिया और नींबू, चावल, अरहर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल और उड़द की दाल। तो इतना सारा सब आपको ले लेना है। और ओवर नाइट हमने ये गेहूँ भिगो दिया था, तो बस यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। और आप यकीन मानिए कि अगर आप इस तरह से हलीम बनाएंगे तो आपको खिचड़े से ज़्यादा हलीम पसंद आने वाला है। खिचड़ा तो आप सब जानते ही होंगे जो मुहर्रम में बनता है, तो ये हम आपको इंस्टेंट हलीम बता रहे हैं, क्योंकि ये बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन आप इसे जल्दी से बना के कैसे खा सकते हैं, और वो भी मेरे अंदाज़ में, वो देखिए। तो यहाँ पर ऑयल जैसे गर्म हो गया, हमने चिकन जो है इसके अंदर डाल दिया, तो तकरीबन 4 चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और हैदराबाद में ये डिश काफ़ी फेमस है, और ये डिश भी वहीं की है, तो वहाँ पर तो ये डेगों में चढ़ जाता है, और जो है क्या कहते हैं, शाम सुबह से चढ़ गया तो पूरा दिन पकता रहता है, गोश्त घोटा जाता है। तो यहाँ पर हमने दही डाल दिया है, और एक मुट्ठी भर के हमने धनिया, एक मुट्ठी भर के हमने पुदीना और मिर्च, तो ये सब भी इसके अंदर शामिल कर दिया, और तली हुई प्याज हमने आधी आधी डाल दी है और आधी रोक दी है। तो अगर मेरी आवाज़ में आपको कुछ उतार चढ़ाव लगे तो माजरत, क्योंकि तबीयत अभी मेरी पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ उसको जो है नज़रअंदाज करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने गरम मसाला भी डाल दिया है 1.5 चम्मच भर के, और पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई मिर्ची आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और हल्दी आपको सिर्फ 1 टीस्पून डालना है। और दूसरी तरफ भी हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, तो जो गंदम हमने रात भर भिगोया था, तो गंदम को हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है, और दाल को हमने अच्छे से 3-4 पानी से वॉश कर लिया था, और गंदम को भी, और इसको डाल दिया है इसके अंदर। तो अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर जो हमें गोश्त में शामिल करना है, कम से कम 2.5 चम्मच भर के, और थोड़ा सा इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा जाएगा, और कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1.5 चम्मच, और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्चें जाएंगी, और इसे अच्छे से चला देना है। और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब हमें गरम मसाला डालना है। और दूसरी तरफ देखिए प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ है, इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है 2 चम्मच भर के, और हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से भी कम 1/2 टीस्पून के करीब हमने मिर्ची डाल दी है। तो मिर्च आप घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा मेरे अम्मी अब्बू मिर्चा कम खाते हैं, तो इसे जो गोश्त में हमने मसाला डाला है इसे हमें बराबर चलाना है, और तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट तक भून लेना है। और यकीन मानिए ये हलीम आपने बना के खाना ज़रूर है, ये इतना ज़बरदस्त होता है कुछ हद नहीं। और ये देखिए यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर में जो दाल और गंदम डाला था उसके अंदर हमने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दिया है, अब उसको हमने बंद कर दिया है, और गलने तक उसको पकाएंगे। कम से कम उसमें हम ले लेंगे 7 से 8 सीटी। और ये देखिए हमारा 10 मिनट से गोश्त भून रहा था मसालों के साथ, अब इसको भी इसमें पानी डाल करके इसको भी हम सीटी लगा देंगे, और तकरीबन इसमें भी हम
जितनी सीटी दाल में लेंगे उतनी सीटी इसमें भी लेंगे, क्योंकि गोश्त को हमें बिल्कुल गला देना है। और प्रेशर कुकर बंद करने से पहले आपने इसमें आधा नींबू ज़रूर निचोड़ के डालना है। तो देखिए सब तरफ सीटियाँ लग चुकी हैं 8-8, और अब हम प्रेशर इसका रिलीज़ करते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा गोश्त गल गया, ये देखिए बिल्कुल रेशा रेशा इसका अलग हो रहा है। और कल जो आपको वीडियो मिला, तो हमारे नवाज़ आए थे, आज उनको आए हुए एक हफ़्ता हो गया, बहुत पहले का वीडियो था। तो हम बीमार थे, तो हम सोच रहे थे कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं व्यूवर्स हैं तो वो इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे वीडियो का, तो हमने कल डाल दिया था। तो बस वो काफ़ी पुराना है, वो जल्दी का नहीं है, कुछ ना जानने से तो कुछ ही बेहतर था कि हमारे सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो चिकन का रेशा था वो एक एक अलग कर लिया, और बर्फ़ जो फ्रीजर में हमने आपको कल वाले वीडियो में दिखलाया था जम गई थी, तो आज उसको डिफ्रीज किया है और मलाई भी निकाल के रखी है। हम मलाई से घी कैसे निकालते हैं वो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जल्दी शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने जो दाल वगैरह चढ़ाई थी गंदम गलने के लिए, वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो जब आप ये रेसिपी बनाइएगा और अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती है और आप कमेंट करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी कि चलो हमारी बताई हुई रेसिपी किसी ने बनाई उसको अच्छी लगी। तो गोश्त का जो रेशा था वो हमने एक एक अलग कर लिया है, और ये जो हमने दाल एक दूसरे भगोने में पलट लिया है पतीली में, उसको अच्छे से दल घुटने की मदद से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। इसको इतना मैश करना है, इतना मैश करना है कि बिल्कुल दाल और गंदम सब एक सार हो जाए। तो इसे खूब अच्छे से हमें घोट लेना है। तो जानते हैं कल भी हम डॉक्टर के यहाँ गए, तो कल डॉक्टर ने हमारी दवा बदली। आप यकीन मानिए जब पित्ती उछलती है तो इंसान बिल्कुल से पागल हो जाता है, और अल्लाह जाने किस वजह से उछल रही है। तो ये देखिए जो हमने गोश्त का रेशा अलग किया था उसको भी हमने जो दालें गला के रखी थी घोटी थी उसके अंदर हमने गोश्त का रेशा देखिए कैसे एक एक अलग कर लिया है, उसको हमने डाल दिया है। हाँ, तो अब इसे हमें बराबर जो है घोटते रहना। तकरीबन आप ये मान के चलिए इसे हमें 20 से 25 मिनट तक घोटना ही घोटना है। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो आप उसकी मदद से घोट सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो इसलिए हम इसको दल घोटनी से घोटेंगे। तो इस वक्त तो मेरे घर में जितने भी मेम्बर्स थे सबकी इसमें बारी लगी घोटने के भी, आप देखेंगे अभी तो मेरी बहू घोट रही है। तो ये चीज़ ऐसी है कि बराबर अगर आप घोटते हैं तो हाथ में दर्द होने लगती है। अब मेरा बेटा आया है वो घोट रहा है, ये देखिए, तो अब उसने घोटना शुरू कर दिया, और ये जितना ही घोटा जाता है यकीन मानिए ये उतना ही लजीज बनता है। तो इसका जो रेशा होता है बिल्कुल जैसे चीज़ नहीं होता है, तो ये जब आप ऐसे करके स्पून से उठाएँगे तो बिल्कुल चीज़ ही ऐसा इसका जो होगा टेक्स्चर हो जाएगा बिल्कुल। और बस जानते हैं बहुत हिम्मत करके हम किचन में आए हैं आपके साथ वीडियो अपना शेयर करने के लिए, अपना ब्लॉग आप तक पहुंचाने के लिए अपनी रेसिपी, क्योंकि आप यकीन मानिए हम इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हैं अपनी तबीयत से इतना ज़्यादा कि जैसे किचन में आते हैं वैसी पित्ती उछलाती है अल्लाह जाने क्यों। और आप सबको हम भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि आज तीन चार दिन से ऊपर ही हो गया मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुँच रहा है, और जैसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा। अगर आप कोई काम करने लगते हैं और उस काम को जो है क्या कहते हैं करने में थोड़ी कोई मुश्किलात आ जाती है तो फिर लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ रह गया है। तो बस आप सबके साथ जुड़ने के साथ अब ऐसे ही है। और अब देखिए मेरा छोटे बेटे की बारी लगी है घोटने की, तो सब ने ही 10-10 मिनट ले लिए, और माशाल्लाह से हलीम जो था हमारा अच्छे से घुट गया। तो अब घुट गया तो उसको हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया और एक तरफ पानी हमने गर्म कर लिया था। तो आपको इसमें ये करना है, वैसे तो आपके ऊपर है कि आप इसे मतलब रनिंग स्टेज में चाहते हैं या थिक चाहते हैं, तो वैसे भी ये ठंडा होने के बाद बहुत थिक हो जाता है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और ये भी जब थोड़ा ठंडा होगा तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और ये रेसिपी मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की रेसिपी मेरी बहुत 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 अच्छी लगी होगी, और आप इसे बनाइएगा ज़रूर। और इसमें ये इतना इसमें प्रोटीन होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें चिकन भी है और इसमें सारी दालें हैं, और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर गेहूं है। तो आप जान गए होंगे कि ये रेसिपी जो है कितनी जो है क्या कहते हैं प्रोटीन से भरी हुई है, और इसमें कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है, इसके अंदर तली हुई प्याज हमने क्रश करके डाल दिया,
पुदीना डाल दिया, धनिया डाल दिया है और अभी हम नींबू से इसको गार्निश कर देंगे। आप अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला या गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। आज का आपको मेरा वीडियो और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बेल ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।